हेलो गाइस, आई एम आदित्य, अ फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट एट IIT खड़गपुर। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये एक्सपीरियंस मेरे दिल के बहुत करीब है और इसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात है अक्टूबर 11 का, जब सुबह हम लोग का JEE एडवांस का रिजल्ट 10 बजे आने का था। सुबह से ही मेरा एकदम वाट लगा पड़ा था, क्योंकि 2-3 साल का मेहनत का रिजल्ट आने वाला था, तो ऑब्वियस सा बात है, एंग्जाइटी से डर लगना जायज़ है। तो फिर मैं बोल रहा था खुद को कि नहीं भाई, ठीक हुआ है, ठीक हुआ है। एक्सपेक्टेड रैंक था 3 से 5 हज़ार के अंदर, क्योंकि मैं आंसर किन मिलाया था और पिछले साल का रैंक लिस्ट देखने से उतना ही बनना चाहिए था 3 से 5 हज़ार के अंदर। तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 से 5 हज़ार के अंदर आएगा। जो जब 10 बजे रिजल्ट आता है तो कंप्यूटर स्क्रीन में लिखता है 837। पहले तो मेरे को देख के भरोसा नहीं हुआ, तो फिर मैं और 2-3 डिवाइसेस से चेक किया कि हो सकता है मेरे कंप्यूटर में कोई एक पहला डिजिट ही मिसिंग हो गया हो, 2837 या 3837 हुआ। तो फिर ऐसे फिर मैं जब 2-3 डिवाइसेस से वेरीफाई किया और सब में 837 लिखा है, तो मैं एकदम खुशी के मारे पागल हो गया, क्योंकि कहाँ 3017 था, कहाँ 800 आ गया। बहुत ही खुशी लगा, मेरे फैमिली और रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट और हैप्पी मोमेंट था ये वाला, उसको मैं पूरी तरह से एंजॉय किया। फिर शाम को मेरे को कॉल आता है फिजिक्स वाला से कि नेक्स्ट डे हम लोग, उन लोग का नोएडा में इवेंट था और हम लोग को बुला रहे थे, फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूडिंग मी। तो फिर मैं उन्हें पेरेंट्स से कनेक्ट करवाया एंड फ्लाइट्स एंड ऑल का देखे वो लोग। तो नेक्स्ट डे हम लोग सुबह नोएडा के लिए निकले भुवनेश्वर से, एंड दिल्ली हम लोग आसपास 12 o'clock पहुँचे। फिर वहाँ से होटल जाने में 1 घंटा लग गया, तो लंच के टाइम पे होटल तक पहुँचे। देन हम लोग लंच किए एंड वहाँ पर जो भी मेरे जैसे और बच्चे थे, मैं सबसे इंटरेक्ट किया, बात किया कि मतलब सब ऑब्वियसली बहुत खुश थे कि इतना अच्छा चांस मिला उनको। साल भर जो फैकल्टी का लेक्चर देख के आ रहे, आज फाइनली उनसे मिलने का चांस मिल रहा था, तो ऑब्वियसली सब बहुत खुश थे। फिर 4 बजे इवेंट स्टार्ट हुआ, 4 से 11 उस दिन जो मज़ा किया हूँ मैं, बहुत ही मज़ा आया, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। 4 से 8 तो पूरा एकदम जोरदार डांस के, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू था। अब जब भी कोई फैकल्टी आ रहे थे, जो भी फेमस फैकल्टी है, तो सारे बच्चे उनका घेरा लगा ले रहे थे, मतलब ऑब्वियस सब आते, सब इतने एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए। फिर सारे फैकल्टीज और सारे स्टूडेंट्स एक साथ डांस किए, उसका वीडियो भी है यूट्यूब में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू था, वो कुछ इस प्रकार था। तो हम लोग के पास आ रहे हैं आदित्य अग्रवाल, सो ऑल इंडिया रैंक 837 एंड ही इज फ्रॉम लक्ष्य एंड प्रहार बैच। क्या हाल चाल है? अरे सही है, आ जाओ, आज गले मिलते हैं। तो कैसे हुआ आदित्य, ये मतलब कैसे होता है ये? मतलब 12th तक तो ठीक चल रहा था लक्ष्य बैच तक, बट प्रहार लक्ष्य बैच में कुंदन सर का मस्त मस्त डायलॉग है कि IIT बॉम्बे CSE जाओगे फिर सिलिकॉन वैली जाओगे, उससे नीचे नहीं सोचोगे। तो मतलब स्टार्टिंग में वो ऐसे ही बोलते थे, फिर प्रहार बैच में जब सिलेक्ट हुआ मैं, तो इनिशियली बहुत लो होता था प्रहार बैच में, मतलब सारे टेस्ट में लास्ट लास्ट में आता था। तो फिर मैं बोला हटाओ साला हर मतलब स्टार्टिंग से रेगुलर अटेंड कर रहा था लेक्चर, बट लेवल थोड़ा हाई था लेक्चर का और टेस्ट में भी बहुत लो आ रहा था, इसलिए तो 1-2 महीना थोड़ा खराब हुआ मेरा। फिर बैकलॉग भी बढ़ गया, मतलब लोगों का एक एक सब्जेक्ट होता है, मेरा 3 सब्जेक्ट बैकलॉग था। फिजिक्स में बैकलॉग था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ्स। तो फिर मैं थोड़ा सा प्लानिंग किया कि मतलब टेस्ट ऐसे कर लिया बैकलॉग का कि सपोज 10th नंबर टेस्ट चल रहा है, मैं 2nd नंबर टेस्ट दिया हूँ, तो 3rd नंबर टेस्ट का सिलेबस ले लिया और उसके लिए 2 दिन रख दिया कि 2 दिन में सिलेबस खत्म करके टेस्ट दूंगा, तो जितना भी मार्क आएगा। इसने बैकलॉग कवर करने की स्ट्रेटजी बता रहा है कि इसने अपने टेस्ट को प्लान कर लिया जितने छूटे थे। हाँ। और ये बोल रहा है कि जो 3रा टेस्ट हुआ था अब देना है, 4था उसके 2 दिन बाद देना है। हाँ। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। हाँ, हाँ। और उसी सिलेबस को कम टाइम में कवर किया। हाँ। और एक सर
सर प्रहार के टीचर तो मतलब इतने कूल है, मैं जब इतना टेंशन में था, अमिताभ सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हैं, वो आके मतलब इतने कूल टीचर मैं आज तक नहीं देखा, खाली आके मतलब अमिताभ सर और रोहित अग्रवाल सर भी बहुत हेल्प किए। आजा सर आजा, उनको जब भी मैसेज करने से रिप्लाई कर देते थे, बोलते थे भी सारा चीज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके पेरेंट्स भी आए? हाँ बुलाओ ना, मैम आए अभी आए। अरे सर के साथ तो मैं बहुत डांस किया हूँ, अभी जबरदस्त डांस हुआ है। हेलो सर। हेलो मैम, नमस्ते नमस्ते। कहाँ से हो? यू आर फ्रॉम भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से हो, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं था? नहीं, मैं मारवाड़ी हूँ, हिंदी। बहुत बढ़िया। तो इसके तो इन सब के बाद तो फिर बिजनेस तो होना ही है ना? चाबी से? नहीं नहीं, मतलब वो एक तो ऑप्शन है, साइड ऑप्शन। एटेक तो नहीं आ रहे हो ना? नहीं नहीं। बहुत बढ़िया, बाकी सब कुछ भी करो। मारवाड़ी आर सेड टू बी बोर्न विद कैलकुलेटर इन देयर माइंड एंड आर को फाउंडर इज ऑल्सो मारवाड़ी, प्रतीक माहेश्वरी। तो वो अभी यहाँ खड़े होकर सब कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोग इस रूम में कितने लोग हैं, पर प्लेट उनका खाना कितने का पड़ा होगा। सॉरी, मतलब एनीथिंग लाइक दैट, ही कैन कैलकुलेट एनीथिंग इन हिज माइंड। सो मेरे पापा भी वो चीज में एक्सपर्ट है। हाँ, तो सारे सारे मारवाड़ी का होता है मेरे ख्याल से। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग इसमें फ्रेम में आ जाए, लाल वाले कैमरा, सब पर्सन बोल चुके हम लोग को। हाँ सर आए ना इसमें। नमस्ते। आदित्य को 100% मोटिवेशन पीडब्ल्यू से मिला है, मतलब मेरे से या मेरे हस्बैंड से 0 मोटिवेशन मिला है। अरे नहीं मैम, ऐसा नहीं है। 100% मोटिवेशन पीडब्ल्यू से, सपोर्ट भी एंड 100% एफर्ट इसका है। हम लोग से जो कुछ मिला है ओनली ब्लेसिंग्स मिला है उसको। क्या मिला है? ब्लेसिंग्स मिला है। अरे मैम आप लोग की ब्लेसिंग्स ही बहुत है। आप लोग मैच करके अच्छा पहन के आए, ग्रीन ग्रीन, इट्स लुकिंग गुड। वाओ वाओ। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बचपन से ही अच्छा पढ़ता था और फिजिक्स वाला ज्वाइन करने के बाद इसका पढ़ाई बहुत अच्छा हो गया, इसका फोकस बढ़ गया और आप लोग की वजह से ही इसने क्रैक किया है, और वो भी वन अटेम्प्ट में। सर ये तो सब बोलते हैं, कुछ कैजुअल बताओ, ऐसी बात बताओ जो ये नहीं बताना चाहता हूँ यहाँ स्टेज पे। कुछ पोल खोल दो। ज्वाइन नहीं करेगा बोल के ये IIT किया है। बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा ये बोल के IIT किया है और अब IIT करके बिजनेस करेगा? नहीं नहीं, बिजनेस आएगा नहीं, अब मैं आने नहीं दूंगा। नहीं मतलब 11 क्लास में पापा दुकान में थोड़ा सा बिठाते थे। किस चीज की दुकान थी? ऑटो पार्ट्स का। ऑटो पार्ट्स की, ठीक है। तो फिर मतलब ड्यूटी देना पड़ता था, तो फिर मैं बहाना मार लिया कि पढ़ाई नहीं करूंगा। तो अभी तो फिर 12 क्लास में थोड़ा सीरियस हो गया तो नहीं जा रहा था, अभी देखते हैं आगे क्या। तुमने दुकान से बचने के लिए IIT क्लियर किया है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा मैं तो साल भर रहता हूँ सर। तो ये था इंटरव्यू। फिर जब हम लोग रिटर्न रूम पे आके वो गिफ्ट खोले, नॉर्मल ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स था, हम लोग सोचे कोई फोटो फ्रेम या कोई मोमेंटो इस टाइप का गिफ्ट होगा, बट जब हम लोग खोल के देखे कि वो लैपटॉप था, हम लोग चारों पूरे एस्टोनिश्ड हो गए थे। मतलब उस दिन सब चीज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ही जा रहा था मेरा, बहुत ही मजा आ रहा था वो दिन मेरे को। मतलब वो दिन आज तक का सबसे बेस्ट दिन हुआ होगा वो मेरे लाइफ का। तो फिर बहुत अच्छा लगा। देन उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह फिर से भुवनेश्वर रिटर्न आ गए और मैं बहुत सारे फैकल्टीज के कांटेक्ट में रहा, उन मतलब नंबर एक्सचेंज एंड ऑल, बहुत सारे फोटोज उठा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये और इसे मैं बिल्कुल भी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। और अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जरूर अपना कमेंट में फीडबैक पोस्ट कीजिए कि कैसा और बेहतर बना सकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।